भारतीय कृषि में आपने खाद्यान्न पढ़ा, तिलहन पढ़ा, ऑयल क्रॉप्स, दलहन पढ़ा, पल्स क्रॉप्स, इसके बाद आपने कैश क्रॉप्स पढ़े, नकदी फसलें। आज हम पढ़ेंगे उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में मुख्य रूप से फल और सब्जी की खेती शामिल है। ठीक है, तो फल और सब्जी की खेती हम पढ़ेंगे, एक ही वीडियो नहीं होगा, ये छोटा सा वीडियो, इसके बाद एक दूसरा वीडियो भी हम डाल देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हमारा पूरा प्रयास है कि आप, मेरे पास चूंकि समय है, मैं भी योजना बना रहा हूँ कि कैसे तेजी से वीडियोस को आगे बढ़ाऊँ, तो मैं बहुत तेजी से वीडियोस को आगे ले जाने वाला हूँ। आपको सब कुछ मिलेगा और लेट लतीफ अब नहीं होगा, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। भूगोल और इतिहास में अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि तेजी से आगे ले चलूँ। पहले भूगोल को खत्म करूंगा, फिर इतिहास खत्म होता रहेगा, जैसे ही भूगोल खत्म होगा उसकी जगह में विज्ञान या अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी स्टार्ट कर दूंगा, है ना। देखिए, जीएस बड़ा है, इसको जल्दीबाजी में पढ़ के 3-4 महीनों में अगर आप खत्म तो कर लेंगे, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी संस्थान 3-4 महीनों में इसे नहीं खत्म कराता, पता है क्यों? या 4-6 महीनों में भी नहीं खत्म कराता, इसलिए क्योंकि अगर आप बहुत तेजी से पढ़ लेंगे जीएस तो समझ में नहीं आएगा। जीएस के लिए जरूरी है कि धीरे धीरे पढ़ते रहिए। अरे, तैयारी करने वाले आपने देखा होगा कि सालों लगा देते हैं तैयार करने में, मैं तो ठीक ही ठाक स्पीड से ले चल रहा हूँ। अगर आप सक्रिय रहेंगे तो अगले 6, 7, 8, 9, 10, अगर इतने महीनों में भी खत्म हो जा रहा है, और खत्म ही नहीं, पूरी तरह से समझ में आने के साथ अगर खत्म हो तो क्या बात है ना। तो धैर्य रखिए, हो जाएगा। कुछ कमेंट जो कि मुझे लोगों के पिछले वीडियो में आए हैं, तो मुझे लगा कि विशेष रिक्वेस्ट है जो कमेंट करते हैं मेरे वीडियो के फॉलोअर्स, मेरे चाहने वाले। आलोक भैया, आप ऐसे ही वीडियो हफ्ते में एक जरूर डाल दिया करो। ये बोल रहे हैं गाजीपुर से लवली, अब इनका टाइटल क्या है जो भी हो। आलोक भैया, आप ऐसे ही वीडियो हफ्ते में एक बार जरूर डाल दिया करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो यानी मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद पढ़ाई में मन लगता है, जोश आ जाता है, नई सोच पैदा होती है। रितेश प्रजापति, मैं रितेश प्रजापति गाजीपुर पीजी कॉलेज से, और रिक्वेस्ट, एक बार वीडियो में आप मेरा नाम जरूर ले लीजिएगा काइंडली। ओके, रितेश प्रजापति जी गाजीपुर से इतना दिल से रिक्वेस्ट है तो एक बार नाम ले लेना चाहिए रितेश जी का। कैसे हैं आप, अपना जवाब जरूर दीजिएगा अगली वीडियो में, अगर आप मेरा उत्तर सुन रहे हैं तो। इसके बाद अगला एक कमेंट जो कि काफी दिलचस्प लगा, सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बट अगर आप अपनी शर्ट का ऊपर का बटन बंद कर लें तो बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। तो शर्ट का बटन तो मैं खोलता नहीं हूँ, हाँ ऊपर वाला बटन मैं थोड़ा सा खोल के रखता हूँ। गर्मी का दिन है, जून का महीना है, पंखा बंद करके पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अगर पंखा चलेगा तो कैमरे में शोर जाएगा, तो उससे आपको मेरी आवाज़ प्रॉपरली पहुँच नहीं पाएगी, तो इसलिए जून के महीने में भी मुझे पंखा बंद करके पढ़ाना पड़ता है। अक्सर देखते होंगे कि मैं जब बोलता हूँ तो चेहरा पसीने से लथपथ हो जाता है, तो पंखा बंद रहता है तो पसीना थोड़ा बहुत होता है, तो थोड़ा राहत पाने के लिए ऊपर वाला ऐसे खोल देता हूँ। और कोई बात नहीं है, जून का महीना बीत जाने दीजिए, मैं पूरा नेक यहाँ तक ऐसे बंद करके पढ़ाऊंगा, ठीक है जून की बात है, जून काफी गर्मी है। इसके अलावा अगला कमेंट है जो कि मैंने गौर किया, अगर आप मेरी तारीफ करेंगे तो मैं तारीफ को यहाँ नहीं पढ़ सकता, क्यों? तारीफ पढ़ के सुनाने वाली बात नहीं होती है तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, किसी ने कोई विशेष आपत्ति दर्ज कराई है तो उसे मैं उठा दे रहा हूँ यहाँ पे। आजकल आप घमंड करने लगे हैं और आपके भी अल्टरनेटिव बहुत हैं, यानी आपके दूसरे विकल्प भी हैं मेरे पास, ठीक है, घमंड नहीं है ये। आपको क्या नाम है, नाम तो नहीं दिया है इन्होंने, कुछ दूसरा नाम रखा है, क्रेस्ट साइंस एकेडमी जो भी हो, तो इनका कहना है कि घमंड है, नहीं घमंड नहीं है, क्रेस्ट साइंस एकेडमी जी, ये आपको देखने में ऐसा लगा होगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमेंट रहता तो मैं क्लासेस क्यों चलाता, इसका निर्णय आप बखूबी कर सकते हैं कि मैं घमंडी हूँ। हाँ, स्वाभिमान घमंड में अंतर होता है, किसी का अगर स्वाभिमान अपने साथ चिपका हुआ है तो आपको भी अपनी नज़रों में थोड़ा लचीलापन लाना होगा, ताकि आप घमंड और स्वाभिमान में अंतर कर सकें। ऐसे तो आप किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति को घमंडी कह सकते हैं, क्योंकि घमंड और स्वाभिमान में अंतर क्या होता है ये आप कभी नहीं बता सकते, ना मैं बता सकता हूँ, मैं कभी नहीं समझा पाऊंगा कि नहीं मैं घमंडी नहीं स्वाभिमानी हूँ, ये परिभाषा आज तक तय ही नहीं हो पाई है कि घमंड क्या होता है, स्वाभिमान क्या, पूरी तरह से तो नहीं, तो इसको आपको खुद ही जज करना होगा।
ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने जाके भद्दे शब्द इस्तेमाल किए हैं क्रेस्ट साइंस अकेडमी जी को, कृपया मेरे वीडियो पे ऐसा न करें। राजपूत सिंह हैं, राजपूत सिंह ने क्रेस्ट साइंस अकेडमी को कुछ गलत वर्ड इस पर बोल दिया है, ठीक है, ऐसा मत बोलिए। ठीक है, कोई अगर कुछ कह देता है तो आप लोग उस पर इतना तीखा प्रतिक्रिया मत दीजिए कि मुझे भी पढ़ के अजीब लगे। आप सभी लोग मेरे लिए प्रिय हैं और झगड़ा झंझट की नौबत ना आए, और ठीक है मैं किसको क्या बोलूँ, बस आप इतना समझ लीजिए कि गलत शब्द न मेरे लिए न आपस में एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं लगता है। ठीक, हाँ, फल सब्जी विज्ञान, या सॉरी फल सब्जी विज्ञान तो दूसरा होता है, फल सब्जी उत्पादन उद्यान विज्ञान, तीन नाम से जानते हैं। उद्यान विज्ञान इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर, इसको हम डिटेल में बोलते हैं, फल और सब्जी उत्पादन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। सबसे पहले जान लेते हैं हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता क्या है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत चार चीजें शामिल है, यहाँ नीचे लिखा है, इसमें फल उत्पादन शामिल है ना, सब्जी उत्पादन शामिल है, फूलों जो सजावटी पौधे होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में फूल ना देकर सजावटी पौधे है ना शब्द इस्तेमाल कर दिया है, तो फूल उत्पादन शामिल है, फल और सब्जी का संरक्षण प्रिजर्वेशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फल और सब्जी का संरक्षण भी इसके अंतर्गत शामिल है, यानी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत चार चीजें शामिल है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बना हुआ है, आगे भी बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा चूंकि इसी से मिलता जुलता शब्द है तो थोड़ा सा मैं इनको अलग अलग कर दूं। फ्लोरिकल्चर स्पेशली फूलों की खेती के लिए एक फ्लोरिकल्चर, हालांकि फूलों की खेती हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत भी आती है लेकिन फूलों की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। एंथोलॉजी पुष्प विज्ञान होता है, देखिए फूलों की खेती मतलब उत्पादन, फ्लोरिकल्चर मतलब उत्पादन करना, और एंथोलॉजी मतलब फूलों का विज्ञान, पुष्प विज्ञान, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। यहाँ उत्पादन नहीं किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा किसका, फूलों का। इसी तरह पोमोलॉजी हॉर्टिकल्चर से अलग है, पोमोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है, उत्पादन नहीं, उसे पोमोलॉजी कहते हैं, लॉजी मतलब अध्ययन होता है ना, एंथोलॉजी पोमोलॉजी हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर एंथोलॉजी पोमोलॉजी। विज्ञान की कृषि से संबंधित विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं है ना, चाहे मधुमक्खी पालन हो, चाहे सेरिकल्चर है, एपिकल्चर है, कृषि से संबंधित जितने भी विज्ञान के क्षेत्र हैं जहाँ अध्ययन किया जाता है अलग अलग कृषि क्षेत्रों का, उसकी लिस्ट में बनवा दूंगा है ना। जैसे पीसी कल्चर, आप इसमें कमेंट करिए तो देखिए कितने लोग जानते हैं पीसी कल्चर क्या होता है, जवाब दीजिएगा। मैं इस तरह के जितने कृषि से संबंधित कल्चर हैं, खेती उत्पादन, उनको मैं अलग से लिखवा दूंगा। बहुत सारे अभी लिस्टिंग करनी है मुझे, भूगोल में बहुत सारी लिस्ट बनानी पड़ती है, प्रथम राज्य प्रथम उत्पादक देश, दूसरा राज्य दूसरा देश, पोषण स्तर, विटामिन विटामिन प्रोटीन है ना, जैसे विटामिन सी चार्ट विकल्प दे देगा, कौन से फल में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, अब ये इस पर निर्भर करता है कि ऑप्शन में क्या क्या है ना। इसी तरह से फलों की और सी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिस पर कि एक बार लिस्टिंग की जानी जरूरी है, तो वो लिस्टिंग में करता रहूंगा आगे पीछे, इंतजार करिए सब कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत दुनिया का 11% फल उत्पादन करता है, मोटा मोटा आप 10 मानकर याद कर लीजिए है ना, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, इस एग्जाम में भी पीसीएस एग्जाम में भी भूल जाता है, यहाँ तक कि मुझसे भी एक बार भूल गया था, मैं एग्जाम दे रहा था मैंने 15% को टिक कर दिया, हो जाएगा किसी से भी ऐसा, तो ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि मैंने बता दिया कि मैंने 15% पर टिक कर दिया तो आपको नहीं भूलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो 10% लगभग भारत दुनिया का फल उत्पादन करता है, और ऐसा करके वो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादन करने वाला भारत देश है। सर्वाधिक फल उत्पादक राज्य हमारे देश में महाराष्ट्र है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान है, सबसे ज्यादा फल उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। देश में शीर्ष फल क्षेत्रफल वाला फल, यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में जो फल उगाया जाता है या बोया जाता है वो आम है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भारत में आप कहीं भी चले जाइए आम का फल मिल जाए, आम का पेड़ मिल जाएगा है ना, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला फल कौन सा है, आम है। लेकिन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में आम उगाया जरूर जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन आम का नहीं होता है, केले का होता है। सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे देश में केले का होता है मात्रा में। हॉर्टिकल्चर आप पढ़ चुके हैं, फ्लोरिकल्चर, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी। हाँ, भारत इन 6 प्रकार के फलों में अव्वल है, उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है भारत। कौन कौन से 6 फल हैं, आम,
अमरूद, केला, आंवला, अनार, पपीता, इसे याद कर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में हमेशा काम देने वाली चीज है। इन छह फलों के उत्पादन में भारत अव्वल है। नेक्स्ट, आम का वनस्पतिक नाम मेंजीफेरी इंडिका। आम का वनस्पतिक नाम है मेंजीफेरी इंडिका और भारत दुनिया का 40% आम पैदा करता है। दुनिया का 40% आम उत्पादन भारत में होता है। हाँ, इस तरह की लिस्टिंग अभी खाद्यान्नों में की जानी, फल की लिस्टिंग तो मैंने की है। प्रथम उत्पादक देश, प्रथम उत्पादक राज्य, ये है फलों के नाम। इस तरह की लिस्टिंग खाद्यान्नों में होनी है, नकदी फसलों में होनी है, तिलहन में होती है, दलहन में होनी है। करूंगा इसके जस्ट बाद, वो अलग एक तरह का सेक्शन है क्योंकि पूरी तरह से रट्टा मार होता है ना, लेकिन फल का स्पेशल है मैंने यहाँ पे बना दिया है। सबसे पहले मैं बताऊंगा देश और फिर राज्य बताऊंगा। कुल फल उत्पादन में प्रथम स्थान जरूर याद रखिए, दूसरा स्थान कौन सा राज्य या देश का है भूल जाइए चलेगा, पहला स्थान मत भूलिएगा। कुल फल उत्पादन में चाइना प्रथम, यहाँ भी आपने देखा कि भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है, भारत 10% फल उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा फल उत्पादन चाइना, भारत में महाराष्ट्र, यहाँ भी आपने पढ़ा सर्वाधिक फल उत्पादक राज्य हमारा महाराष्ट्र है। इसी तरह कुल फल उत्पादन में चाइना के बाद इंडिया का दूसरा स्थान है। आम, आम उत्पादन विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है, और पहले इसको दोहरा दें, आम में भारत, केला में भारत, अमरूद में भारत, अंगूर में चाइना, उसके बाद इटली का स्थान है। यूरोप में सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश कौन सा है, इटली, क्योंकि दूसरा स्थान इटली का यूरोप का पूछ रहा है, तो यूरोप में सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश इटली में जाएगा, तो अंगूर में प्रथम स्थान चाइना का है, तो इटली का है। सेब में भी चाइना, लीची में चाइना, नींबू में चाइना, ठीक है, संतरा में ब्राजील, ठीक है, संतरा उत्पादन में नंबर वन स्थान ब्राजील का है। आंवला में इंडिया, अनार में इंडिया, ठीक है, अनानास में कौन सा देश है लिखा होता है महत्वपूर्ण नहीं, सभी देशों का सब कुछ याद करना बहुत जरूरी नहीं होता है, वैसे भी आप बुक खोल के देख सकते हैं या आप गूगल मार लीजिए सर्च, ठीक है। तो जहां चाइना प्रथम स्थान पर वहां मैंने बोल कर दिया है, ये देखिए संतरा में ब्राजील है। राज्यों में देख लेते हैं, कुल फल महाराष्ट्र, आम में अपना यूपी, आम में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, केला में तमिलनाडु, ठीक है, केला में तमिलनाडु, अमरूद में महाराष्ट्र, अंगूर में अमरूद, अंगूर, महाराष्ट्र, सेब में जम्मू एंड कश्मीर है, अक्सर लोग हिमाचल प्रदेश टिक कर देते हैं, सेब उत्पादन में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर राज्य का है। उसके बाद लीची, मुजफ्फरपुर की लीची बहुत ही फेमस है बिहार में, है ना, तो लीची में बिहार नंबर वन है। नींबू वर्ग के जितने फल हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, उसमें ज्यादातर आंध्र प्रदेश पहला होता है, हालांकि संतरा उत्पादन में महाराष्ट्र अव्वल है। आंवला, संतरा, नागपुर के संतरे होते हैं ना महाराष्ट्र में, नागपुर का संतरा फेमस है, तो संतरा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। आंवला में यूपी अपना, अनार में महाराष्ट्र, अनानास में पश्चिम बंगाल, ध्यान दीजिएगा अनानास का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। यूपी आम और आंवला उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है। प्रायः तीन ही चार राज्यों का नाम दिया गया है, या तो यूपी है, या महाराष्ट्र है, या तमिलनाडु है ना, या पश्चिम बंगाल है, यही चार पांच राज्यों में फल घूम रहा है, तो इसे याद कर लीजिएगा लिस्ट को अच्छे से। हाँ, आगे बचा है नारियल। नारियल देशों में इंडोनेशिया, अखरोट में चाइना, काजू इंडिया में सबसे ज्यादा पैदा होता है, ठीक है, विश्व में काजू का पैदावार सबसे ज्यादा इंडिया में है। जैतून, ध्यान दीजिएगा, स्पेन में सबसे ज्यादा पैदा होता है दुनिया में। जैतून यूरोपीय फसल है, जैतून भारत में पैदा नहीं होता है, जैतून यूरोपीय फसल है और स्पेन में सबसे ज्यादा पैदा होता है। जैतून का तेल काफी काम का होता है। अखरोट चाइना में होता है, नारियल इंडोनेशिया में। नारियल राज्यों में तमिलनाडु में पहले केरला हुआ करता था नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान, अब तमिलनाडु ने स्थान ग्रहण कर लिया है। नारियल उत्पादन में तमिलनाडु, अखरोट में जम्मू कश्मीर, काजू में महाराष्ट्र, ठीक है, जम्मू कश्मीर अखरोट में नंबर वन उत्पादक है और इसमें सेब में, अखरोट में और सेब में। अभी और तरह तरह की लिस्टिंग करवानी है, अभी मैंने कुछ अच्छे लिस्ट बना रखे हैं, अलग अलग सवालों को कैसे कैसे सवाल घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं, वो लिस्ट मैं आपको अभी दूंगा थोड़ी देर में, एक दो दिनों में। भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाले तीन फल, सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे देश में केला का होता है, उसके बाद आम का, पीछे भी बताया कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला फल आम है लेकिन उत्पादन में नंबर वन केला है, तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाले तीन फल है केला, केला के बाद आम,
केला साल भर पैदा होता है। ऐसे अगर आम साल भर होता है तो आम नंबर वन पे होता है, क्योंकि जब आम का मौसम आता है तो बाजार में हर तरफ केवल आम दिखाई देता है। लेकिन आम जो है मई लास्ट में आता है और जून लास्ट में खत्म हो जाता है। ये अलग बात है कि कहीं कहीं आम की दो फसलें भी काटी जाती हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में, जो दक्षिणी तमिलनाडु का हिस्सा है यानी कन्याकुमारी के आसपास का क्षेत्र, वहां पर आम की दो फसलें ली जाती हैं। एक वर्ष में दो बार आम पैदा होता है। ठंडी में भी वहां पे आम तोड़ा जाता है, क्योंकि तमिलनाडु में क्या होता है कि ठंडी नहीं पड़ती है। कन्याकुमारी में आप जाएंगे तो आपको दिसंबर जनवरी में स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं रहेगी। इस वजह से वहां आम की फसल दो बार फल दे देती है, क्योंकि वहां साल भर गर्मी पड़ती है। समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो भारत में हाँ केला सबसे ज्यादा इसलिए पैदा होता है क्योंकि केला साल भर पैदा होता है। भारत में अंगूर उत्पादकता विश्व में सर्वाधिक है, यानी प्रति हेक्टेयर अंगूर की उत्पादकता दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में ही पाई जाती है। और दुनिया में 80% अंगूर का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। आभासी फल क्या होता है? आभासी फल आमतौर पे जो फूल का अंडाशय होता है ना, फूल पुष्प का अंडाशय है, उससे फल का विकास होता है। फल का विकास फूल के अंडाशय से होता है, उसे हम सामान्य फल कहते हैं। जिस फल का विकास फूल के अंडाशय से होता है उसे हम सामान्य फल कहते हैं। लेकिन जब फल का विकास फूल के अंडाशय से न होकर फूल के बाह्य दल से हो, ठीक है, फूल के बाह्य दल से हो, तो ऐसे फल को हम झूठा फल कहते हैं। झूठा फल, आभासी फल या फॉल्स फ्रूट, ऐसे कौन कौन से फल हैं? से पूछा जा चुका है, दो से तीन बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल है? सेब। इसके अलावा नाशपाती, अनानास, कटहल और लीची, ठीक है, ये सभी आभासी फल हैं। नेक्स्ट, भारत में बागवानी से संबंधित कुछ संस्थान है, स्पेशली जो बागवानी या हॉर्टिकल्चर से ही रिलेटेड है, उनको जान लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, ठीक है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है ना, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च बंगलुरु के हैसर घट्टा में है, बंगलुरु के हैसर घट्टा में। अगला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, लखनऊ। सब ट्रॉपिकल मतलब उपोष्ण, ट्रॉपिकल मतलब उष्ण, सब ट्रॉपिकल मतलब उपोष्ण। विषुवत रेखा से थोड़ा दूर जाने पर उपोष्ण शुरू हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में भी और उत्तरी गोलार्ध में। विषुवत रेखा के आसपास उष्ण, जब विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तो उपोष्ण वाला जलवायु वाला क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर या केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान कहां पे है? लखनऊ में है ना। उत्तर भारत उपोष्ण क्षेत्र में आता है, जबकि जो दक्षिण भारत है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत कर्क रेखा के दक्षिण में है, इसलिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है दक्षिण भारत, जैसे मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उष्ण कटिबंध में। लेकिन कर्क रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र है यानी कर्क रेखा के उत्तर का क्षेत्र, वो उपोष्ण के अंतर्गत आता है, यानी सब ट्रॉपिक के अंतर्गत आता है। तो लखनऊ कहाँ है? कर्क रेखा के ऊपर ही तो स्थित है, इससे आपको याद करने में आसानी होगी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में है। नेक्स्ट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, एरिड मतलब होता है सूखा, शुष्क। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर में है, राजस्थान एक शुष्क क्षेत्र है ना, बीकानेर, या राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। अगला, केंद्रीय बागवानी संस्थान, ठीक है, केंद्रीय बागवानी संस्थान या सेंट्रल हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नागालैंड के मेजीफेमा में है, केंद्रीय बागवानी संस्थान महत्वपूर्ण है, इस नागालैंड के मेजीफेमा में है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। ये हो गया, आज आपने हॉर्टिकल्चर के बारे में जानकारी ली। और इसके अलावा फलों से संबंधित जो पोषण स्तर होता है, अलग अलग फलों में क्या क्या पाया जाता है, जैसे कि आयरन की मात्रा किस फल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये सब सवाल कृषि से संबंधित जो सवाल आजकल बहुत ही कोने से उठा रहा है, वो आमतौर पर किताबों में नहीं मिलते हैं, जैसे एनसीईआरटी वगैरह किताबों में इस सब चीज़ों के उत्तर नहीं मिलते हैं।
कुछ ज्यादा ही अंदर जाके पूछ रहा है, जैसे कि कौन से फल में आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन से फल में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। आमतौर पर लोग जो नहीं जानते हैं विकल्प में नींबू को टिक कर देंगे। नींबू से भी ज्यादा विटामिन सी या आंवला से भी ज्यादा विटामिन सी किसी दूसरे फल में पाया जाता है। तो जो पोषण स्तर है वो बढ़ा देंगे। और अम्ल कौन से फलों में, जैसे आंवला में कौन सा अम्ल, लीची में, सेब में, ठीक है, नींबू में, और बहुत सारे हैं। तो पोषण स्तर, अम्ल, विटामिन वगैरह और संबंधित विशेषताएं फल और सब्जी की, फलों की सॉरी, वो मैं अगले वीडियो में कर दूंगा। उसके बाद फिर सब्जी, इसमें आपने हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत केवल फल पढ़ा, सब्जी नहीं पढ़ा है, सब्जी का दूसरा वीडियो होगा। धीरे धीरे ही पढ़ते रहिए। नोट्स बना रहे हैं कि नहीं आप लोग? नोट्स बनाएंगे तभी कारगर होगा। केवल ऐसे ही नोट्स बहुत व्यवस्थित बनाइएगा जैसे मैं बना रहा हूँ, या आपके पास अपना कोई तरीका हो तो उस तरीके से भी आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बना के दोहराव करना बहुत जरूरी है। दोहराव करने का तरीका मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि जिस चीज को आप आज पढ़ रहे हैं उसे आज मत रिपीट करिए, कल सुबह उठकर रिपीट करेंगे सुबह सुबह। तो इस तरह से अगर आप करेंगे, किसी चीज को आज पढ़ा कल रिपीट जरूर किया उसे, 24 घंटे के अंदर एक बार रिपीट करना जरूरी है। 24 घंटे के अंदर चीजों को रिपीट कर लेने से, यानी दूसरे दिन सोकर उठकर रिपीट कर लेने से बहुत लंबे समय तक याद होता है, यानी उसको पढ़ने में आपने जो समय गंवाया वो बर्बाद नहीं होगा, उसका उपयोग हो जाएगा अगर अगले दिन आपने उसे दोहरा दिया तो। तो नोट्स बनाकर उसे रिपीट करते रहिए, कछुए की चाल चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जीत आपकी होगी। ठीक है, नमस्कार।